छः साल की उम्र में इंद्र के अभिमान का दमन करने के लिए इस गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम रखा, क्योंकि सभी लोग भगवान कृष्ण के जन्म से पूर्व इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने ब्रजवासियों को ये समझाया कि इंद्र की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर इंद्र देवता कुपित हुए और उन्होंने कुपित होकर घनघोर बरसात से ब्रजवासियों को मतलब इतना परेशान किया, इस पर भगवान ने अपनी नैनी होने से गोवर्धन पर्वत को उठाया, ब्रजवासियों की रक्षा की। उसके बाद से ही इस गोवर्धन पूजा का निरंतर रूप से अनंत रूप से चल रहा है, और गोवर्धन पूजा के बाद भगवान का भव्य अन्नकूट का मनोरथ भी हर मंदिरों में होता है, भगवान का अन्नकूट भी धराया जाता है। भारतवर्ष के हर कोने से श्रद्धालु आए हुए हैं, क्योंकि यमुनोत्रीय का पर्व है और यमुनोत्रीय के इस महान पर्व पर लोग स्नान के लिए आते हैं और इसका आनंद जरूर लेते हैं।